हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई पीरियड ड्रामा हिस्टोरिकल मूवी PS1 यानी पोनियन सेल्वन को। इस मूवी में हम लोगों को चोल एम्पायर के बारे में दिखाया जाएगा, जो कि हजारों सालों पहले साउथ इंडिया साइट पर राज करते थे और हम लोग ठहरे नॉर्थ इंडिया। तो बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जो चोल एम्पायर के बारे में जानते होंगे, और इसीलिए मैं पहले आप लोगों को चोल एम्पायर के बारे में फटाफट वो बातें बताने वाला हूँ जो बातें आप लोगों को इस मूवी में नहीं बताई गई है, जिससे आप लोग इस मूवी को और जल्दी समझ पाओगे। तो दोस्तों, PS1 मूवी तमिल क्लासिक नोवेल पोनियन सेल्वन पर बेस्ड है, जिस नोवेल को लिखा था कल्कि कृष्णमूर्ति ने। 1950 से पोनियन सेल्वन मैगजीन कल्कि की मैगजीन कल्कि में छपना शुरू हो गई थी। इस मैगजीन का हर हफ्ते एक हिस्सा छपता था। वही 1954 में जाकर मैगजीन में इसकी कहानी खत्म हो गई। मैगजीन में कहानी पूरी होने के बाद 2210 पन्नों की स्टोरी को किताब के रूप में रिलीज कर दिया गया। इसे तमिल लिटरेचर के सबसे क्लासिक नोवेल में गिना जाता है। वहां के कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जाता है कि पोनियन सेल्वन की कहानी के लिए बहुत से लोगों ने कल्कि खरीदना शुरू कर दी थी। उस दौर में इस मैगजीन का सेल काउंट 70,000 के पार पहुंच गया था, जो कि तमिल भाषा में छपने वाली मैगजीन के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो भी तब जब भारत को आजाद हुए 5 साल भी नहीं हुए थे और आबादी का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित था। यही चीज इस कहानी को खास बनाती है। पोनियन सेल्वन नॉवल 10वीं सदी में राज करने वाले चोल राज परिवार के बारे में है। इस नॉवल का नाम है पोनियन सेल्वन, जिसका मतलब होता है पोनी का बेटा। भारत की कावेरी नदी को कुछ हिस्सों में पोनी के नाम से भी जाना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 10वीं सदी में राज करने वाले चोल सम्राट सुंदर चोल से। लेकिन सम्राट सुंदर चोल से पहले हमें चोल वंश के इतिहास को जानना होगा, ताकि ये कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ आए। 9वीं सदी में साउथ इंडिया पल्लव चोल और पांड्या राज्यों में बटा हुआ था। तब चोल वंश के विजयालय चोल वंश के सामंत थे। उन्होंने पल्लव और पांड्या राज्यों के आपसी दुश्मनी और कमजोरी का फायदा उठाया और पांड्याओं से तंजोर छीना। तंजोर छीन कर तंजोर को उनकी राजधानी बनाई और चोल राज्य की स्थापना की। उनकी मृत्यु के बाद चोल गद्दी पर बेटे उनके बेटे आदित्यवन इसलिए क्योंकि चोल एम्पायर में आदित्य नाम से दो राजा हुए थे। आदित्य के बाद चोल गद्दी पर बेटे उनके बेटे परांटाका ने काफी सारे युद्ध लड़कर अपने राज्य का विस्तार किया। फिर उनकी मृत्यु के बाद चोल गद्दी पर बैठे उनके बड़े बेटे गंधारा आदित्य। कुछ सालों बाद गंधारा आदित्य की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सिंहासन उनके बेटे उत्तम्मा को ना मिलकर उनके छोटे भाई अरिंजय के पास चला गया, क्योंकि उस वक्त उत्तमचल काफी छोटे थे। कुछ समय बाद अरिंजय की भी मृत्यु हो गई, लेकिन चोल राजगद्दी उत्तम्मा के पास न जाकर अरिंजय के बेटे सुंदर चोल को मिली। तो दोस्तों, ये वो स्टोरी थी जो हम लोगों को मूवी में नहीं दिखाई गई है। अब इससे आगे की स्टोरी हम लोगों को मूवी में दिखाई गई है, तो उस स्टोरी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में अजय देवगन अपनी नरेटर वॉइस में हम लोगों को जब सुंदर चोल को चोल साम्राज्य की गद्दी मिल गई तो उसके आगे क्या हुआ ये बताते हैं, जिसमें 1000 साल पहले चोल साम्राज्य के स्वर्णीय युग से पहले आकाश में एक धूमकेतु दिखाई दिया। उस समय चोल साम्राज्य के सम्राट सुंदर चोल को दो बेटे और एक बेटी थी, जिसमें से बड़े आदित्य करिकालन ने सेमेर युद्ध के मैदान में पांडियों को हराया और वीर पांड्या का सर धड़ से अलग कर दिया। प्रतिशोध लेने के लिए वीर पांड्या के अंगरक्षकों ने चोर राज्य में घुसपैठ कर ली। उन्होंने चोर राज्य का सर्वनाश करने की शपथ ली। सिंगला विजय के लिए अपनी विशाल नौसेना के साथ यात्रा प्रारंभ की छोटे युवराज अरुण मोझी बर्मन ने। राष्ट्रकूटों को बड़ा करने के लिए उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे वीर राजकुमार आदित्य करिकालन। तंजोर में अस्वस्थ पड़े थे सम्राट सुंदर चोल। तीनों के जीवन में संकट था। आकाश में धूमकेतु, राशि रथ के खून का प्यासा था। फिर इसके बाद अजय देवगन की नरेटर वॉइस बंद हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को राष्ट्रकूटा की धरती पर आदित्य करिकालन को दिखाया जाता है। आदित्य करिकालन राष्ट्रकूटा की धरती पर पल्लवों से युद्ध लड़ रहे थे, जिस युद्ध में आदित्य करिकालन का साथ वल्लवरायन वांतिया थेवन भी दे रहे थे, जो कि चोल सेना के एक बहुत अच्छे योद्धा थे और वो आदित्य करिकालन के दोस्त भी थे। पल्लवों के खिलाफ युद्ध में चोल एम्पायर जीत जाता है, जिसके बाद आदित्य करिकालन को पता चलता है कि कंदूर के महल में कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, और उसी का पता लगाने के लिए आदित्य करिकालन अपने दोस्त वल्लवरायन वांतिया थेवन को वहां पर जाने के लिए कहता है। और जो कुछ भी वांतिया थेवन को वहां पर पता चलेगा वो सब कुछ आदित्य करिकालन के पिता यानी चोल साम्राज्य के सम्राट सुंदर चोल को और अपनी छोटी बहन कुंदावई को बताने के लिए आदेश देता है। वहां जाने के बाद वांतिया थेवन चोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सामंत पर्वतेश्वर को देखता है। पर्वतेश्वर ने उससे बहुत कम उम्र की रानी नंदिनी से शादी कर ली थी, जो देखने में काफी खूबसूरत थी। महल पहुंचने के बाद वंतिया थेवन छुपके से पर्वतेश्वर और कुछ मंत्रियों की बातें सुनता है, जहां पर उन लोगों में बातें चल रही होती है कि सम्राट सुंदर चोल तंजोर के सिंहासन पर उनके बड़े बेटे आदित्य करिकालन को बिठाने वाले है, जबकि उस सिंहासन के हकदार गंधर आदित्य के बेटे मधुरथन का हक है, क्योंकि उस सिंहासन का असली हकदार मधुरथन ही है। और तभी वहां पर
मधु रतकन आके उन मंत्रियों को उसकी राजा बनने की ख्वाहिश बताते हैं और इसके बाद पर्वतेश्वर और वहाँ के मंत्री मधु रतकन को राजा बनाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं और ये सारी बातें छिपके वंतिया थेवन सुन लेता है और इसलिए अब वो ये सब कुछ कैसे भी करके सम्राट सुंदर चोल को बताना चाहता है। फिर सुबह वहाँ से जाते टाइम वंतिया थेवन को रास्ते में नंदिनी मिल जाती है, जहाँ पर नंदिनी उसे उसकी शाही अंगूठी देकर उसे कल तंजोर के दरबार में मिलने के लिए आने के लिए कहती है। इसके बाद वंतिया थेवन वो अंगूठी लेकर तंजोर के सेनापति से मिलता है और वंतिया थेवन उस सेनापति को बताता है कि राजा पर्वतेश्वर ने ये शाही अंगूठी देकर उसे तंजोर के महल में सम्राट सुंदर चोल से मिलकर बताने के लिए एक संदेश भेजा है। इसलिए वो सेनापति उसे सम्राट सुंदर चोल के पास ले आता है, जहाँ पर वंतिया थेवन सम्राट सुंदर चोल को बताता है कि पर्वतेश्वर और कुछ मंत्रियों ने मिलकर उनके सिंहासन को छीनने का षड्यंत्र रचा है और उन्हें ये पैगाम देने के लिए उसे आदित्य ने ही कहा है। पर इन बातों के बाद वंतिया थेवन पर सेनापति को शक हो जाता है, क्योंकि वो सेनापति पर्वतेश्वर का ही छोटा भाई था। इसलिए वो वंतिया थेवन को कैद करने के लिए उसकी सेना के दो लोगों को उसके साथ भेजता है, लेकिन वंतिया थेवन उन दोनों के चंगुल से बचकर भाग जाता है और वहां से सीधा वो नंदिनी के महल पहुंच जाता है, जहां पर वो नंदिनी को बताता है कि वो आदित्य के संदेश को उसकी बहन कुंदवई के पास पहुंचाने वाला है। जिसके बाद नंदिनी वंतिया थेवन को कहती है कि आदित्य का संदेश कुंदवई को देने के बाद कुंदवई जो संदेश आदित्य के लिए देने वाली है वो संदेश वो सबसे पहले आकर उसे बताए। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि पर्वतेश्वर तंजोर आ गए हैं, जिसके बाद पर्वतेश्वर को पता चलता है कि कोई दूत उनका नाम लेकर सम्राट सुंदर चोल से मिलकर गया है। इस पर पर्वतेश्वर सेनापति को कहते हैं कि उसने उसके तरफ से किसी भी दूत को नहीं भेजा है, इसलिए उस दूत को कैसे भी करके उन्हें पकड़ना होगा। और फिर पर्वतेश्वर के नंदिनी के पास आने से पहले ही नंदिनी वंतिया थेवन को एक गुप्त रास्ते से तंजोर से बाहर निकाल देती है और नंदिनी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे कुंदवई की योजना जाननी थी। यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि नंदिनी उसके प्रेमी वीर पांड्या का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी। नंदिनी उसके साथी धर्मा को सिंगला जाकर अरुण मोजी को मारने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वंतिया थेवन राजकुमारी कुंदवई से जाकर मिलता है और उसे पर्वतेश्वर के द्वारा सिंहासन के लिए करे गए षड्यंत्र के बारे में बताता है। इस पर कुंदवई वंतिया थेवन को सिंगला जाकर अरुण मोजी को तंजोर वापस लाने का आदेश देती है। यहाँ पर हम लोगों को ये भी पता चलता है कि राजकुमारी कुंदवई और वंतिया थेवन एक दूसरे को पसंद करते थे। कुंदवई को भी राजनीति की अच्छी जानकारी थी, इस वजह से उसने अभी तक शादी नहीं की थी। सम्राट सुंदर चोल के बीमार होने के बाद राजकुमारी कुंदवई ही सब कुछ संभाल रही थी। उधर मधु रतकन की माँ उसे सिंहासन का मोह छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पिता ने खुशी से सम्राट सुंदर चोल को वो सिंहासन दिया था। लेकिन मधु रतकन उसकी माँ की बात नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। उसे हर हालत में वो सिंहासन चाहिए था। दूसरी तरफ नॉर्थन में ज्यादा युद्ध लड़ने के बाद आदित्य के दादाजी उसे वापस तंजोर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य गुस्से में उसके दादाजी को कहता है कि वो कभी भी तंजोर में पैर नहीं रखेगा, क्योंकि वहाँ पर नंदिनी रहती है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि आदित्य बचपन में नंदिनी से प्यार करता था और नंदिनी भी आदित्य को पसंद करती थी, लेकिन नंदिनी एक अनाथ थी और उसके राजवंश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए सम्राट सुंदर चोल ने आदित्य और नंदिनी की शादी करने के लिए मना कर दिया था और इसके बाद अचानक से नंदिनी कहीं पर गायब हो गई थी। नंदिनी के जाने के दुख में आदित्य युद्धों में व्यस्त हो गया और इसके कुछ सालों बाद जब आदित्य पांड्या राज्य के वीर पांड्या को मारने के लिए गया था, तब उसे वहां पर वीर पांड्या के साथ नंदिनी भी दिखी थी, क्योंकि नंदिनी वीर पांड्या के साथ लव अफेयर में थी। तो वहां पर नंदिनी ने वीर पांड्या को आदित्य नहीं मारने के लिए विनती कर हाथ भी जोड़े थे, लेकिन आदित्य ने गुस्से में ही नंदिनी के सामने वीर पांड्यान का सर धड़ से अलग कर दिया था। और तभी से नंदिनी ने आदित्य और चोल वंश को खत्म करने की कसम खा ली थी और आदित्य के अंदर का नंदिनी के लिए प्यार नफरत में बदल गया था, क्योंकि नंदिनी ने पर्वतेश्वर से शादी कर ली थी। तो इसीलिए आदित्य तंजोर के महल में कदम नहीं रखना चाहता था। आदित्य नंदिनी को भुला नहीं पा रहा था। उधर अरुण मुजी यानी पोनियान सेल्वन सिंगला में राजा महेंद्रन को हराने के बाद बौद्ध संघ में उनके गुरुजी से मिलने आता है, जहां पर गुरुजी अरुण मुजी के बहादुरी और उदारता को देख के अरुण मुजी को सिंगला के सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। लेकिन अरुण उनके प्रस्ताव से मना कर देता है, क्योंकि उसने अपने जीवन को तंजोर और चोल वंश के लिए समर्पित कर दिया था। इसके अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि राजकुमारी कुंदवई तंजोर आ गई है। कुंदवई महल में चल रहे षड्यंत्र के बारे में उसके पिता
यानी सम्राट सुंदर चोल को बताती है। इसके बाद वही पर हम लोग पर्वतेश्वर और उन मंत्रियों को उनकी योजना के बारे में बात करता हुआ देखते हैं, जिस योजना में वो लोग आदित्य और अरुण के तंजोर आने से पहले सम्राट सुंदर चोल को उनकी बातों में लेकर मधुरदन का राज्याभिषेक करने की योजना करते हैं। इसके बाद नंदिनी पर्वतेश्वर को आगे की योजना बताती है कि उन्हें कैसे भी कर आदित्य और अरुण को एक साथ तंजोर आने से रोकना होगा। और नंदिनी की ये योजना थी कि वो कैसे भी कर अरुण को पहले तंजोर की महल में ले आए, क्योंकि अरुण यहाँ पर होगा तो आदित्य यहाँ पर नहीं आएगा और इसके बाद वो लोग दोनों भाइयों को अलग करके दोनों भाइयों को मार सकते हैं। उधर वंतिया थेवन को बोट चलाने वाली पूर्णिमा नाम की लड़की उसकी बोट से सिंगला ले आती है और उसी टाइम पर एक और बोट वाला पांड्या हत्यारों को सिंगला ले आता है। उस बोट वाले को नहीं पता था कि वो पांड्या हत्यारे जिनमें धर्मा भी था वो अरुण मोझी को मारने आए हैं। इसके अगले सीन में हम लोग तंजोर में देखते हैं कि पर्वतेश्वर कुछ मंत्रियों को लेकर सम्राट सुंदर चोल को मिलने के लिए आया है और पर्वतेश्वर सम्राट सुंदर चोल को उसकी बातों में लेकर अरुण को तंजोर ले आने के लिए कहता है। और इसके बाद सम्राट सुंदर चोल के आदेश पर उनकी मोहर लगाकर अरुण मोझी को वापस लाने के लिए कुछ सैनिकों को आदेश दिया जाता है, लेकिन ये सब कुंदवई को सही नहीं लग रहा था। इस पर सम्राट सुंदर चोल कुंदवई को कहते हैं कि वो नॉर्थन जाकर आदित्य करिकालन को तंजोर ले आए, उनके दोनों बेटों के आने के बाद ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी बीच नंदिनी तंजोर के सिंहासन पर बैठने का सपना देखती है। दूसरी तरफ सिंगला में वंतिया थेवन पोनियन सेल्वन से जाकर मिलता है और उन्हें राजकुमारी कुंदवई का संदेश देते हैं। साथ ही राजकुमारी वल्थी का भी पत्र वो पोनियन सेल्वन को देता है। राजकुमारी वंती से पोनियन सेल्वन की शादी होने वाली थी और वो दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते थे। इसके बाद वहां से महल की तरफ जाने के टाइम पर पांड्या हत्यारे उन लोगों पर हमला कर देते हैं और वहां पर उन्हें मोनिमा आकर बचा लेती है, जिसका चेहरा हम लोगों को नहीं दिखाया जाता। मोनिमा वो थी जब अरुण मुझी बचपन में पोनी नदी में गिर गए थे, तब मोनिमा ने ही उन्हें उस नदी से बचाया था और तभी से अरुण मुझी का नाम पोनियन सेल्वन पड़ गया था। उधर राजकुमारी कुंदवई आदित्य को तंजोर लाने के लिए नॉर्थन पहुंच जाती है। वहां पर कुंदवई आदित्य को तंजोर चलने के लिए कहती है, लेकिन आदित्य तंजोर जाने के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वहां जाने के बाद उसे नंदिनी देखने को मिलने वाली थी। वहां पर आदित्य कुंदवई से ये भी शिकायत करता है कि उसने भी नंदिनी को उससे दूर करने के लिए सम्राट सुंदर चोल का साथ दिया था और इसी वजह से वो इतना खूंखार बन गया। तब कुंदवई उसे समझाती है कि उस टाइम पर वही करना ठीक था, क्योंकि उसने उस टाइम पर राज्य के बारे में सोचा था, क्योंकि राज्य के लोग कभी भी नंदिनी को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। कुंदवई आदित्य को यह भी बताती है कि पर्वतेश्वर ने अरुण को लाने के लिए सिंगला में एक सेना भी भेजी है, इसलिए आदित्य को भी तंजोर जाकर अरुण मोझी और उसके पिता का साथ देना चाहिए। लेकिन आदित्य काफी जिद्दी था, इस वजह से वो फिर भी तंजोर जाने के लिए मना कर रहा था। उधर सिंगला में पूर्णिमा को यह पता चलता है कि पर्वतेश्वर की सेना अरुण मोझी को तंजोर ले जाने के लिए आई है और वही पांड्या हत्यारे सिंगला के राजा महेंद्रन से मिलने के लिए कई लोगों को मार रहे होते हैं। तभी वो बोट वाला पांड्या हत्यारों में से एक को राजा महेंद्रन के पास ले आता है और वहां पर जाने के बाद वो पांड्या हत्यारा महेंद्रन को बताता है कि पर्वतेश्वर की सेना अरुण मोझी को लेने के लिए सिंगला आई है, अगर राजा महेंद्रन साथ दे तो वो लोग रास्ते में ही अरुण मोझी को खत्म कर सकते हैं, फिर उन्हें भी सिंगला में किसी से खतरा नहीं रहेगा और इस बात के लिए महेंद्रन मान जाता है। उधर पूर्णिमा अरुण मोझी के पास आकर उसे बता देती है कि पर्वतेश्वर की सेना शाही पैगाम के साथ उसे तंजोर ले जाने के लिए आई है। ये सुनने के बाद वंतिया थेवन अरुण मोझी को कहता है कि जरूर ये पर्वतेश्वर की कोई चाल होगी, लेकिन फिर भी अरुण उस सेना के साथ तंजोर जाने के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि वो शाही पैगाम को मना करके सम्राट सुंदर चोल का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए अरुण मोझी एक प्लान करके वंतिया थेवन को उसके राजा के कपड़े दे देता है और खुद सिंपल कपड़ों में पूर्णिमा के साथ समुद्र की तरफ निकल जाता है, ताकि कोई भी अरुण मोझी को पहचान ना पाए। इसके बाद पांड्या हत्यारे और महेंद्रन की सेना पर्वतेश्वर की सेना को मार देते हैं और पोनियन सेल्वन समझकर वंतिया थेवन को पकड़ लेते हैं और फिर उन लोगों को बाद में पता चलता है कि वंतिया थेवन पोनियन सेल्वन नहीं है, इसलिए वो लोग वंतिया थेवन को उनके जहाज पर लटका देते हैं, जिसे देखने के बाद अरुण मोझी पूर्णिमा के साथ उस जहाज की तरफ जाता है और वहां पर उस जहाज पर पहुंचने के बाद अरुण मोझी उन लोगों से फाइट करने लगता है, पर तभी समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिससे उनका वो जहाज डूब जाता है। उस लड़ाई में अरुण मोझी काफी इंजर्ड हो गए थे, इस वजह से उनका कोई पता नहीं लगता है और तंजोर में सम्राट सुंदर चोल के पास ये संदेश आता है कि जहाज से गिरने के बाद डूबने की वजह से अरुण मोझी की मौत हो गई है। ये बात सुनने के बाद सम्राट सुंदर चोल को हार्ट अटैक आ जाता है और राजकुमारी कुंदवई को भी ये पता चलने के बाद धक्का लगता है। उधर जब ये बात आदित्य करिकालों को पता चलती है, तब वो गुस्से में उसकी सेना के साथ तंजोर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि आदित्य को पहले ही पता था कि ये सब नंदिनी का किया धरा है और अब आदित्य नंदिनी को मारना चाहता था। और इसी के साथ इस मूवी पोनियन सेल्वन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो जहाज डूबने के बाद मोनिमा हम लोगों को समुद्र में दिखाई जाती है और मोनिमा का चेहरा नंदिनी के जैसा ही था और इसी
इसी के साथ ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस मूवी को IMDb पे 8.2 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है, साथ ही 94% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है।